नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएचबीसी न्यूज और मैं राजा कुबर। अभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जितना बुरा प्रदर्शन किया था, उतना ही अच्छा प्रदर्शन जो है उनके एक क्रिकेटर इमामुल हक ने किया था। जब उन्हें सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान टीम में, तो ये कहा जा रहा था, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा एक खबर चलाई जा रही थी कि उन्हें सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इमामुल हक जो हैं, जो सिलेक्टर हैं उनके भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। परंतु अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके अंदर दम है, इसलिए उन्हें सेलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया था, परंतु अकेले इमामुल हक ने जो पाकिस्तान को संभाल कर रखा था वर्ल्ड कप के अंदर। परंतु अभी इमामुल हक जो है खासी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि खबर वायरल हुई है, कुछ तस्वीरें वायरल हुई है, उनके व्हाट्सअप जो चैट हैं वो वायरल हुए हैं। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस कदर जो है वो लड़कियों को धोखा दे रहे हैं और 6-7 लड़कियों के साथ जो है उनके संबंध हैं और उन लड़कियों से लगातार वो बात कर रहे हैं और उन्हें झूठ बोल रहे हैं कि वो सिंगल है। इस तरह की अभी खबरें जो हैं दिखाई गई है। अभी पाकिस्तान में जो ट्रेंड है, जो वहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, वो ये ट्रेंड कर रहा है एक्सपोज इमामुल हक। इस तरीके की खबरें जिस तरीके से अभी दिखाई जा रही है पाकिस्तान में, इमामुल हक के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस खबर से। मीटू कैंपेन के तहत दुनिया में जो है तमाम ऐसे सेलिब्रिटी जो फंसे थे, जिन्होंने लड़कियों के साथ शोषण किया था या फिर लड़कियों ने उनके ऊपर जो है आरोप लगाया था, इन्होंने जो हमारे साथ शोषण किया है, अभी उसी कैंपेन के तहत जो है ये भी फंसे हैं इमामुल हक। अब देखना सिर्फ ये होगा कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं क्या ये सच्चे हैं या फिर जो है उन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। परंतु जिस तरीके से व्हाट्सअप चैट आए हैं लोगों के सामने, इसमें साफ तरीके से दिखाया गया है कि किस कदर जो है इमामुल हक जो है लड़कियों के साथ बात कर रहे हैं और किस कदर जो है उनसे झूठ बोल रहे हैं। अभी इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए जो है हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इमामुल हक जो है इसमें दोषी हैं या फिर नहीं है। कुछ लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उनके विरोध में हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, परंतु कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इमामुल हक हैं वो ऐसे हैं और उन्होंने जो है ये सारे काम किए हैं। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बीएचबीसी न्यूज़।